उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का सीकर का दौरा है कल। निजी इंस्टीट्यूट के रजत जयंती समारोह में होंगे शामिल। तारपुरा हेलीपैड से सड़क के जरिए समारोह स्थल पहुंचेंगे। जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा ने दौरे की पूरी जानकारी। राइजिंग राजस्थान समिट को लेकर के मुख्यमंत्री ने दिया बयान, कहा ज्यादा से ज्यादा निवेशक प्रदेश में करें इन्वेस्ट। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राजस्थान बनेगा अग्रणी। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राधामोहन अग्रवाल डूंगरपुर के दौरे पर, 84 विधानसभा सीट को लेकर कार्यकर्ताओं के लिए बैठक, कहा जनता के आशीर्वाद से खेलेगा कमल। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का राज्य सरकार पर बड़ा हमला, कहा राजस्थान में जंगल राज, विधानसभा उपचुनाव में 700 सीट हारेगी बीजेपी। राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षा 2024 के मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से मांगा जवाब, 21 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में पेश करनी होगी आंसर की। टमाटर की कीमत ने छुड़ाए लोगों के पसीने, कीमतों में 150% तक का उछाल, कुछ हफ्तों तक भाव में कमी की उम्मीद नहीं। प्रदेश में बेकाबू हो रही है मौसमी बीमारियां, तेजी से बढ़ रहे हैं डेंगू के मरीज, मलेरिया और चिकनगुनिया ने भी बढ़ाई चिंता, अस्पतालों में लगी लंबी कतार। त्योहारी सीजन में लगातार बढ़ रहे हैं सोने के दाम, जयपुर में पहली बार जेवराती सोना 73,000 के पार, 300 रुपए प्रति 10 ग्राम का आया उछाल। उपचुनाव को लेकर नामांकन दाखिल करने का पहला दिन, 11 बजे से 3 बजे के बीच दाखिल हुए नामांकन, रिटर्निंग अधिकारी हरी सिंह शेखावत ने दी जानकारी। विधानसभा उपचुनाव 2024 को लेकर के डीएम सौम्या ने मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण, आधारभूत सुविधाओं का भी लिया जायजा, दिव्यांगों समेत मतदाताओं से ली जानकारी। झुंझुनू में 13 नवंबर को होंगे उपचुनाव, जिला निर्वाचन अधिकारी ने लिया जायजा, निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक रहे मौजूद। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का विवादित बयान, मीडिया के द्वारा पूछे गए सवाल पर दिया जवाब, कहा शिक्षक बेवकूफ हैं जो मेरे बयान का गलत अर्थ निकालते हैं। 22 अक्टूबर को होगा इन्वेस्टर्स समिट मीट का आयोजन, समिट को लेकर के जिला प्रशासन ने तेज की तैयारियां, कलेक्टर ने प्रवासी व्यापारियों को दिया निवेश के लिए न्योता। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 9 से 11 दिसंबर तक होगा जयपुर में आयोजन, इस मौके पर जिला स्तरीय इन्वेस्टर्स मीट का होगा आयोजन। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल मीट में सीकर में 1244 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 23 अक्टूबर को होगी जिला स्तरीय इन्वेस्टर मीट, 81 एमओयू पर सहमति बनी, 2475 लोगों को मिलेगा रोजगार। मानसूर में युवा नेता राकेश दायमा के नेतृत्व में ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन, इंद्राडा बस स्टैंड से पूटा जोहाड़ा तक सड़क मार्ग बनवाने की रखी मांग। खेतड़ी में फार्मेसी से संबंधित जगहों पर विद्यार्थियों ने किया शैक्षणिक भ्रमण, संजीवनी बेलम के संयुक्त तत्वाधान में किया गया आयोजन, डॉक्टर बी कृष्णमूर्ति ने झंडी दिखाकर किया रवाना। मुख्य चुनाव अधिकारी नवीन महाजन पहुंचे दौसा, दौसा प्रशासन की उपचुनाव की तैयारी को लेकर की बैठक, निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव को लेकर के दिए दिशा निर्देश। सफाई व्यवस्था समेत मुद्दों को लेकर के बैठक का आयोजन, उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र ने की अध्यक्षता, आगामी त्योहार को लेकर की गई चर्चा। नारायणपुर में 68वीं एथलेटिक्स क्रीडा प्रतियोगिता, 556 खिलाड़ी ले रहे भाग, विधायक ने झंडारोहण करके किया शुभारंभ, बिलाड़ा विधायक रहे मुख्य अतिथि। बांसवाड़ा में भारतीय किसान संघ ने बैठक का आयोजन किया, फसल खराबे पर मुआवजा, खाद की उपलब्धता की मांग, पदाधिकारियों ने मांगों को लेकर के डीएम को सौंपा ज्ञापन। जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन, कार्यक्रम में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद समेत हजारों की संख्या में संत समाज के प्रतिनिधि रहे मौजूद, गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने की मांग। अजमेर के पीसांगर में नाबालिग को बेचने की कोशिश, सीडब्ल्यूसी की काउंसलिंग में हुआ खुलासा, 2 महिलाओं समेत 4 पर मुकदमा दर्ज। सरकारी स्कूल के टांके में आया किंग कोबरा सांप, सांप आने पर स्कूल में मचा हड़कंप, मौके पर आए स्नेक कैचर ने रेस्क्यू किया।
पाली में साईं भक्तों के द्वारा निकाली गई साईंपाल की जगह जगह लोगों ने यात्रा का किया स्वागत। यात्रा में महिलाओं ने किया भजनों कीर्तन। खुशबू मीणा नाम की युवती की अपील, फर्जी लोगों पर कार्रवाई की मांग, योग्य सब इंस्पेक्टर के परिवार से अपील। कामा में राजकीय महाविद्यालय के छात्रों ने किया प्रदर्शन, 5 सूत्रीय मांगों को लेकर के किया धरना प्रदर्शन, अधिकारियों से मांग पूरी करने की कही बात। पाली में बेसुध हालत में झाड़ियों में मिली स्कूली छात्रा, परिजनों और ग्रामीणों ने स्कूल पर जड़ा ताला, प्रिंसिपल को निलंबित करने की मांग पर अड़े ग्रामीण। बीकानेर के स्कूल में टोना टोटका होने का मामला, प्रधानाचार्य ऑफिस के सामने टोना टोटका मिलने से मचा हड़कंप, मौके पर एएसआई भगवान राम सहित पुलिस रही मौजूद। लेक सिटी में आदमखोर पैंथर को वन विभाग की टीम ने मारी गोली, मदार इलाके में लेपर्ड को किया गया ढेर, पिछले एक महीने से 8 लोगों की जान ले चुका था आदमखोर। मॉनसून के दौरान हुई अच्छी बरसात, बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत, खेतों में भरा पानी सब्जियों को पहुंचा रहा नुकसान। करणी विहार इलाके में चाकूबाजी के मामले में बोली जयपुर पुलिस, मामले में किया 2 आरोपियों को गिरफ्तार, होगी प्रभावी कार्रवाई। डीएम डॉक्टर मंजू के निर्देश पर पदमपुर में वन विभाग की कार्रवाई, अवैध रूप से ले जाई जा रही सैकड़ों क्विंटल हरी लकड़ी पकड़ी, 3 ट्रैक्टर रेहड़ी में भरी 150 क्विंटल लकड़ियों को किया गया सीज। सीकर में बाबा ने युवती के साथ किया दुष्कर्म, पीड़िता ने सीकर के उद्योग नगर थाने में दी FIR, बाबा और एक अन्य शख्स के खिलाफ दी शिकायत। मृतक छात्र आशुतोष के परिजन पहुंचे कोटा, कोचिंग छात्र ने फांसी लगाकर की थी आत्महत्या, शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को किया सुपुर्द। करणी विहार इलाके में देर रात हुई चाकूबाजी, मंदिर में चल रहे जागरण कार्यक्रम में चाकूबाजी की हुई घटना, 8 लोग हुए घायल, सभी का इलाज जारी। जयपुर के जागरण कार्यक्रम में चाकूबाजी का मामला, आरोपियों को देर रात किया पुलिस ने गिरफ्तार, आरोपियों ने 8 लोगों को किया था घायल। बीकानेर में स्लीपर बस और बाइक की हुई टक्कर, बाइक सवार बहादुर सिंह की मौके पर मौत, क्रेन की मदद से बस को नापस्तर थाने में रखवाया। कोटा में आपसी कासूनी के बाद चाकू से हमला, घायल को MBS अस्पताल में किया गया रेफर, पीड़ित ने पुलिस को बताई आपबीती, मामले की जांच में जुटी पुलिस। सरवाड़ पुलिस ने दहशत फैलाने वाले आरोपी पर पाया काबू, सोशल मीडिया पर एयरगन दिखाकर फैला रहा था दहशत। सदर थाना पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, 3 अलग अलग जगहों पर दबिश देकर के 16 जुआरियों को किया गिरफ्तार, जुआरियों के कब्जे से 45,000 रुपए किए जब्त। जिला कलेक्ट्रेट परिसर में ऑटो चालक ने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आत्मदाह का किया प्रयास, मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों की सूझबूझ से टली बड़ी घटना। अगरतला लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस हुई डी रेल, लोकमान्य तिलक के 8 डिब्बे पटरी से उतरे, असम के डिबलोंग में हुआ ट्रेन हादसा।